आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। सिद्धार्थनगर जिले में पुलिस विभाग द्वारा यातायात माह का विधिवत शुभारंभ किया गया। 1 से 30 नवंबर तक प्रदेश में यातायात सुरक्षा माह के रूप में मनाया जाएगा। इसी के तहत एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया है। सुबह 11 बजे सिद्धार्थनगर जिले के हाइड्रिल तिराहे पर यातायात सुरक्षा से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियों को हाथ में लेकर सैकड़ों जवानों ने जागरूकता रैली निकाली, ताकि लोग यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित हों। जागरूकता रैली में आकर्षण के लिए बैंड बाजे और पीछे सैकड़ों पुलिसकर्मी यातायात सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करते नजर आए। देखिए, हर वर्ष की भांति ये नवंबर का पूरा माह डेडिकेटेड होता है यातायात के लिए, और आज यातायात माह का शुभारंभ किया गया है। साड़ी की तरफ हम लोग जाएंगे। इसमें एक रैली, मोटरसाइकिल की रैली हम लोगों के द्वारा निकाली गई है, जिससे जन जागृति फैलाई जाएगी, लोगों को जो ट्रैफिक के नियम हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के जो नियम हैं, उनके बारे में जागरूक किया जाएगा, और जो नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध जो है समन की और चालान की कार्रवाई है वो की जाएगी। इसमें स्कूल कॉलेजेस में जाके भी हम लोगों के जो पुलिस कर्मचारी हैं, ट्रैफिक के जो विभाग के कर्मचारी हैं, वो लोग जाकर कानून के प्रावधान, आईपीसी के और मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। जो विभिन्न तरीके के साइन सिग्नल्स हैं ट्रैफिक से संबंधित, उनके बारे में बताएंगे जाके। इस अवसर पर एसपी यशवीर सिंह ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यातायात सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। सभी लोग यातायात के नियमों को लेकर जागरूक बने, इसी उद्देश्य को लेकर मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है। इसके साथ ही पूरे माह में कर्मचारी स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को यातायात के नियमों की जानकारी देंगे। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सिद्धार्थनगर से अमर श्रीवास्तव।